नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। हस्तिनापुर विधानसभा के मवाना में मखदूमपुर अड्डा निवासी युवक जमील अहमद पुत्र सलाउद्दीन बुधवार की शाम गंगा नहर में स्नान करते समय डूब गया। जमील 5 भाई व 5 बहनें हैं। जमील से 3 भाई बड़े हैं। मखदूमपुर पुल पर एकत्रित लोगों ने बताया कि गर्मी के कारण प्रतिवर्ष गंगा नहर पर डूबने की घटना हो जाती है। परिजन गंगा नहर पर ही डटे हुए हैं और तलाश करा रहे हैं। गुरुवार को सपा नेता किशोर टोक गंगा नहर पहुंचे और परिजनों को डांडस बंधाते हुए उप जिला अधिकारी मवाना ऋषिराज जी से फोन पर वार्ता कर पीएससी के गोताखोरों को बुलाकर युवक की तलाश कराने की मांग की। उप जिला अधिकारी ऋषिराज ने फोन पर ही कहा कि जल्द ही पीएससी गोताखोरों को बुलाकर युवक की तलाश की जाएगी। परसों शाम हस्तनापुर विधानसभा की नगर पालिका मवाना में मखदूमपुर बस स्टैंड निवासी जमील अहमद पुत्र सलाउद्दीन उम्र 18 साल गंग नहर में नहाने गया था। वहां पैर फिसलने के कारण वह डूब गया और काफ़ी तलाश करने के बाद भी अभी तक नहीं मिला। आज हमने गंग नहर पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और उनको ढाढ़स बंधाया। वहीं उप जिलाधिकारी मवाना ऋषिराज जी से फोन पर मांग की कि तत्काल प्रशासन मदद करें और पीएससी के गोताखोर बुलाकर डूबे व्यक्ति की तत्काल तलाश की जाए, ये हमारी मांग है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस